हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी, एकदम जूसी सी, जैसे मार्केट में मिलने वाली रसमलाई होती है ना, सेम उसी तरह बनाना सिखाऊंगी। और अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना, तो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इसे बना सकते हैं और बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। सो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लीटर दूध ले लिया है। आप गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध ले सकते हैं, सबसे अच्छे से बनेगी। बस जैसे जैसे ही उबाल आए, उसके बाद मैंने 2 चम्मच विनेगर और 2 चम्मच ही पानी डाल दिया है। और बस इस पानी को दूध में, दूध बंद है, गैस बंद करके रखी है मैंने, और बस जैसे ही गर्म होगा दूध आप इसे डाल दीजिए। उसके बाद ये इस तरह से जो है वो दूध जो अच्छे से फट जाएगा। और बस इसमें ठंडा पानी मिक्स करिएगा। ठंडा पानी इसलिए क्योंकि इसकी कुकिंग प्रोसेस रोक देता है ये, और एकदम जो छेना होता है ना वो परफेक्ट बनता है, एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ वाला। तो ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे ही हमने इसमें ठंडा पानी डाला, इसकी सारी कुकिंग प्रोसेस रुक गई है। अब बस एक, मैंने एक रुमाल लिया है और इस तरह से इसे छान लीजिए, और बस मैं ऊपर से पानी डालकर 2-3 बार इसे धो ले लें, जिससे हमें विनेगर की जो खुशबू है वो इससे हट जाए। और मैंने साइड में रख दिया है इसे। उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। मैंने इसमें 1 लीटर दूध लिया है, ये पहले से पका हुआ दूध है, वो लिया है मैंने मलाई के साथ। इसमें जो है 12 से 13 धागे डाल दिए हैं मैंने केसर के, उसे भी डाल दीजिए। और 1/2 कप शक्कर डाल दी है इसमें। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और तब तक हमें संभालना है जब तक केसर का रंग भी इसमें आ जाए और थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए इसमें, मैंने काजू और बादाम डाले हैं। आप चाहें तो अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स और भी डाल सकते हैं। केसर ने धीरे धीरे इसमें कलर छोड़ दिया है, अभी थोड़ी देर में ही ये अच्छे से थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया। हल्का सा बस इसे थिकनेस चाहिए, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। और ये गाढ़ा हो गया, बस हमने साइड में रख दिया, और हमने छेना भी 2-3 घंटे दिया था। इस तरह से हमने इसे निकाल लिया, और बस हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मसल कर अच्छे से चिकना करना है हमें, और अपनी हथेलियों से इसे मस लेगी है, तो जिससे जो दाने हैं ना वो अच्छे से हट जाएंगे, जो गुठलियाँ हैं एकदम चिकनी, जो छेने का डो है ना वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे करने में। और जैसे ही सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। ये कॉर्नफ्लावर मैंने इसलिए डाला है, जब भी आप इसे चाशनी पकाएंगे ना, तो कभी भी आपके रसगुल्ले जो हैं वो फटेंगे नहीं और बिखरेंगे नहीं। तो कॉर्नफ्लावर तो एक तो बाइंडिंग करता है, ऊपर से ना ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे जब भी आप इसे पकाएंगे, चाहे दूध में डालिए चाहे चाशनी में डालिए, ये परफेक्ट बनेंगे। इस तरह से अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की ना, तो आप फर्स्ट टाइम भी अगर रसगुल्ले बना रहे होंगे ना, रसमलाई, तो ये कभी भी नहीं बिगड़ेगी और परफेक्टली बनेगी। बस मैंने इसे अच्छे से चिकना कर लिया, और बस मैं इस तरह से लंबे लंबे शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे गोल, कुछ मैंने इसमें इस तरह से लंबे बनाए हैं, कुछ गोल बनाए हैं, और ईजिली ये इस तरह से बन गए हैं। अभी मैंने छोटा आकार बनाया है, धीरे धीरे ये फूलने के बाद बड़े हो जाएंगे। मैंने इसमें 250 ग्राम शक्कर ले लिए, और उसमें मैंने 4 कप पानी डाल दिया, मतलब 1 कप शक्कर लिए तो उसका 4 गुना पानी डाल दीजिए इस पर। और बस सिंपल सा मेथड है, बस इसकी चाशनी बनेगी तो पतली सी चाशनी रहती है। बस मैंने इसे गैस पे चढ़ा दिया और थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है, हल्का सा येलोश के लिए। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और जैसे ही चाशनी में उबाल आएगा, उसके बाद हम अपने सारे जो हमने रसगुल्ले बनाए ना, इसको उसमें डाल देंगे। कुछ इस तरह से डाल देते हैं और सारे एक एक करके डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा कि एक एक करके ही डालना है, एक साथ सारे मत डाल दीजिएगा, एक एक करते जाइए, डालते जाइए। और बस थोड़ी देर से ढक दीजिए, और बस मैं इसे चेक करके देखिए, इसका साइज़ भी डबल हो गया जिससे पहले हमने डाला था। देखने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, जब हमने डाला था तो बहुत छोटे छोटे थे, अभी देखिए ये बड़े हो गए। अब मैं इसी टाइम पे, हमने पहले टच तो किया नहीं था, बस इस तरह से हमने इससे दोबारा फ्लिप करना है। एक हल्के हाथों से फ्लिप करिएगा। इस तरह से मैंने सारे रसगुल्ले को फ्लिप कर दिए, और फिर से ढक कर 5 मिनट पकाएंगे। ये प्रोसेस करने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। एक बहुत ही मज़ेदार सी टिप बताती हूँ मैं आपको। जैसे ही आप गर्मा गर्म रसगुल्ले बनाएं, उसके बाद इस तरह से मैंने एकदम ठंडा ठंडा पानी रखा, आप चाहें तो बर्फ़ डालकर भी रख सकते हैं, और तुरंत इस रसगुल्ले को उसमें डाल दें। और जैसे ही वो पानी के ऊपर आ जाए, इसका मतलब वो परफेक्टली कुक भी हो गया है, और एकदम जालीदार बनेगा, और कभी भी उसका साइज़ जो है छोटा नहीं होता। कई बार आप कहते हैं कि रसगुल्ले बनाते हैं तो उस टाइम तो बड़े होते हैं, फिर बाद में छोटे हो जाते हैं। ये मेथड ज़रूर अपनाइएगा, इससे आपके रसगुल्ले परफेक्टली बनेंगे। और फिर के बाद चाशनी वाले पानी प्रोसेस करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये। अब बस हमने इस नॉर्मल दूध में इसे शक्कर वाली चाशनी
कटोरी में जो हमने डाला था ना, फिर से उसमें डाल दिया बर्फ़ वाले पानी से निकाल कर। और बस इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए फिर से रख देती हूँ फ्रिज में, थोड़ा सा और अच्छा जो ऊपर की मलाई आ गई है मैं इसे थोड़ा हटा कर और बस ऊपर से नीचे इसे दिखा रही हूँ। और देखिए कितनी परफेक्टली रसमलाई बनी है, और ये कोई कह सकता है कि हमने इसे घर पर बनाया है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप अगर एक बार इसे बनाएंगे ना, तो आप ट्रस्ट में कभी भी बाहर से रसमलाई नहीं लाएंगे। कोई कह भी नहीं सकता कि आपने इसको घर पे बनाया है और फर्स्ट टाइम आपने इतनी अच्छी रसमलाई बनाई है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे ना, तो बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। बस स्टेप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिएगा और यूं ही मज़ेदार रेसिपी आपके साथ शेयर